हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इंस्टाग्राम में अर्कीप करने से क्या होता है। तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिएगा और अपने प्रोफाइल पे चले जाइएगा और उसके बाद किसी भी फोटो पे या पे किसी भी पोस्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन था ट्रिपल डॉट का, आपको ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है, तब जाकर आपको दिखता है अर्कीप का ऑप्शन। देखिए दोस्तों, इसका अर्कीप का हिंदी वर्ड होता है, हिंदी मीन्स होता है संग्रह करना और इंग्लिश मीन्स होता है स्टोर करना। देखिए दोस्तों, जो आपका फ़ोटो है, देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से बात देखें आपको यहाँ पर, तो जो आपका फ़ोटो है तो आपके जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर स्टोर है और वो पब्लिक है, हर कोई देख सकता है। लेकिन अगर आप उसी फ़ोटो को अर्कीप कर देते हैं तो वो फ़ोटो आपके इंस्टाग्राम पर रहेगा लेकिन वो पब्लिक नहीं रहेगा, वो बस आप ही देख सकते हैं अलग फोल्डर में। जैसे मान लीजिए हम इसको, इस वाले फ़ोटो को अर्कीप कर दिए, ठीक है, वो तो हमारे प्रोफाइल से हट गया लेकिन वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे है लेकिन बैकग्राउंड में है, हम उसको देख सकते हैं लेकिन और कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो अब हम अगर मान लीजिए आपको वो फ़ोटो देखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ट्रिपल लाइन पे और उसके बाद ट्रिपल लाइन पे क्लिक करके अर्कीप पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको पोस्ट अर्कीप वाले ऑप्शन पर दिखेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको स्टोरी अर्कीप, पोस्ट अर्कीप और लाइव अर्कीप का अलग अलग ऑप्शन देता है। आपको फोटो देखना है तो पोस्ट अर्कीप पे क्लिक करेगा और ये फोटो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अर्कीप आपका इस तरह से अर्कीप का फ़ायदा लेकर आप अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड में सेव कर सकते हैं और उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इससे ये फ़ायदे होते हैं।